कन्नौज में आईजी कानपुर जॉन ने किया जिले का दौरा, कानून व्यवस्था को लेकर चेक की पुलिस की मुस्तैदी। एसपी व अन्य अफसरों के साथ नगर का किया पैदल गश्त, बोले आईजी चुनाव को लेकर दिए गए अलर्ट के निर्देश। सीसीटीवी कैमरे को एक्टिव रखने के भी दिए गए निर्देश, बोले आईजी लगातार अलर्ट मोड पर रहेगी पुलिस। सभी जो मैन हमारे एरियाज हैं सिटी के कन्नौज सिटी के, उनको सबको देखा गया है। और कहाँ पर ये जो हमारा मैन मार्केट है, किस जगह से हॉटस्पॉट है और किस तरह की पुलिस की अलर्टनेस को चेक करने के लिए आज जनपद कन्नौज का दौरा किया गया है। इसमें जो है पुलिस पर्याप्त पुलिस लगा करके और आगे आने वाले समय में जो भी हमारे क्राइम के दृष्टिकोण से भी, ताकि किसी जगह क्राइम ना होने पाए जनपद में, और अगर हो तो वो जल्दी से बचाव हो, इसके लिए तैयारियां की गई। और साथ ही साथ लॉ ऑर्डर को लेकर के भी पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था किस तरीके की उसको देखिए। हमारे यहाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ पे हम लोग सिर्फ अलर्ट है सभी लोग, और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट टेंस पे है, और किसी तरीके का लॉ ऑर्डर ना हो, कोई अराजक तत्व किसी तरीके की बदमाशी ना कर सके, इसके लिए हम लोग पुलिस की अलर्टनेस को कंटिन्यूस बनाए रखेंगे आगे। थैंक यू। खबर कन्नौज से है, जहां उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुए बवाल के बाद हाई अलर्ट। जुमे को लेकर पुलिस हुई अलर्ट, जिले की मस्जिदों की ड्रोन से की गई निगरानी। पुलिस ने धार्मिक स्थलों की शुरू की निगरानी, मस्जिदों के बाद जुमे की नमाज को लेकर फोर्स तैनात। एसपी अमित कुमार आनंद बोले, शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए उठाया गया कदम।